अभी का फोन है। हेलो। हेलो माँ। हाय बेटा। I just landed home, माँ। अच्छा। हाँ। घर कब आ रहा है? यहाँ से ऑफिस जाऊँगा, बॉस से मेरी मीटिंग है। ऑफिस का काम खत्म करके मैं सीधा तुम्हारे पास आ जाऊँगा। ठीक है ना? हाँ। वैसे आप लोग ठीक हो ना? हम सब ठीक हैं। तू संभल के आना बेटा। हाँ, हम सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है माँ, मैं होटल पहुँच गया हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। ओके बाय। हाय शशि। हाय, कैसा है तू? हाय यार, मस्त हूँ। हाय, हेलो। हे, व्हाट्स अप मैन? आई एम गुड मैन। हेलो। हाय अभी। कैसा है? ठीक हूँ। अच्छा ये बता, लड़कियों के साथ घूमा कि नहीं? हाँ। ए, मैं वहाँ ऑफिस के काम से गया था, ना कि लड़कियों के साथ घूमने फिरने। हाँ, मुझे ट्रिप पर जाने का मौका मिला तो तूने बर्बाद कर दिया। अगर मैं जाता तो खूब मजे करता। पहले जिंदगी में मैं कुछ बन जाऊं, उसके बाद इन सब चीजों के बारे में सोचूंगा। वैसे भी तुझे तो पता है कि मेरी पसंद अलग है। अबे तू ना जैसा था वैसा का वैसा है। ए, तेरी बात थोड़ी सी अलग है, पर मेरी सोच बिल्कुल डिफरेंट है। तू क्या सोचता है? उस बारे में बाद में बताऊंगा। तो कब बताएगा? बाद में सुधीर, मुझे जाने दे, बॉस से मुझे मिलना है। तेरे लिए गुड न्यूज है। क्या? तू बहुत जल्दी इस कंपनी का MD बनने वाला है। ओके ओके, बाय, सी यू। बाय। I'll send my officer. Yeah. Okay. Okay. Excuse me, sir. I'll call you later. Come in, come in. Hi, Abhi. Hi, sir. Welcome to India. Thank you, sir. तुमने अपना प्रोजेक्ट बहुत जल्द पूरा किया। I really appreciate it. ऐसा नहीं है सर, मैंने बस अपना काम किया है। आपने मुझे अच्छी टीम दी, उसकी वजह से सारा काम हो गया। Anyways, क्लाइंट हमारे काम से बहुत ही खुश है। मुझे एक डाउट है, पूछ सकता हूँ? Why not, sir? Sure, पूछिए ना। मैंने तुम्हें प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए 5 साल का वक्त दिया था, लेकिन तुमने इस प्रोजेक्ट को 3 साल में ही पूरा कर दिया। एनीथिंग स्पेशल? स्पेशल कुछ नहीं था सर, वहाँ के एटमॉस्फेयर मुझे जमा नहीं, इसलिए मैंने वहाँ पर जल्दी काम पूरा किया और वापस मैं इंडिया आ गया। अभी मैं तुम्हें गुड न्यूज दे रहा हूँ, मैंने तुम्हें इस कंपनी का MD बनाने का फैसला किया है। खुश हो ना? सॉरी सर, मैं ये जॉब छोड़ना चाहता हूँ। व्हाई अभी? व्हाट्स रॉन्ग? रॉन्ग कुछ नहीं है सर, मैं अपनी बाकी की जिंदगी अपने पेरेंट्स के साथ बिताना चाहता हूँ सर, और उनके पास जाकर मैं एक स्कूल खोलना चाह रहा हूँ। गुड आइडिया, अच्छा है, लेकिन सडनली ये डिसीजन क्यों लिया? ऐसी कोई बात नहीं है सर, मैं अपने माँ बाप का एक लौता लड़का हूँ, 10 साल से स्टडीज जॉब के चलते मैं उनसे दूर हूँ, अब उनके साथ रहना चाहता हूँ सर। पैसों का मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैंने बहुत सारा पैसा कमाया है, अब थोड़ा वक्त उन्हें भी देना है। ओके, लेकिन तुम्हारे जैसे एम्प्लॉय को खोकर मुझे बहुत ही दुख होगा। आई रेस्पेक्ट योर डिसीजन, बट मेरी भी एक रिक्वेस्ट है। तुम्हारी वजह से इस कंपनी का बहुत ही नाम हुआ है, और साथ ही साथ इस कंपनी को बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी मिला। कौन सा प्रोजेक्ट सर? 500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, साइट पर जाना होगा। उन्होंने क्लाइंट मीटिंग के लिए हमें वहां पर बुलाया है, अगर उस मीटिंग में तुम जाओगे तो वो प्रोजेक्ट भी हमें ही मिलेगा, मुझे पूरा यकीन है। ओनली 10 डेज टूर अभी। तुमने इस कंपनी के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, इसे एक लास्ट प्रोजेक्ट समझकर प्लीज कर दो। अभी रिक्वेस्ट है तुमसे। ओके सर, हो जाएगा। मुझे कब जाना होगा सर? कल ही जाना है, एवरीथिंग इज सेट। वहां पर तुम्हारे लिए एक असिस्टेंट भी रखा है, वो हर काम में तुम्हारी मदद करेगा। ओके ओके सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, बाय। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। हाय। हाय। आप अभिमन्यु है ना? हाँ, और आप? आई एम कौशल्या, नाइस मीटिंग यू। आपको मेरा नाम कैसे पता है? सिर्फ आपका नाम ही नहीं, आपके बारे में सब कुछ जानती हूँ। प्लीज बैठिए ना। थैंक यू।
आपने अपनी हायर एजुकेशन दिल्ली से कंप्लीट की, आईआईटी टॉपर, बड़ी बड़ी कंपनियों के जॉब्स आपने रिजेक्ट किए हैं और फिर एक छोटी सी कंपनी ज्वाइन करके बहुत ही कम समय में प्रोजेक्ट मैनेजर बन गए। अभी हाल में आपने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट की है, वो भी यूएस की, और यहाँ क्लाइंट मीटिंग के लिए आए हैं, एम आई राइट? आपको कैसे पता? और आप हैं कौन? बॉस ने बताया होगा ना, एक असिस्टेंट से आपकी मुलाकात होगी। हुँ? वो मैं ही हूँ, आई एम योर पर्सनल असिस्टेंट एज वेल एज लोकल गाइड फॉर दिस कंसर्न प्रोजेक्ट। ओह गुड, आई एम लकी। व्हाई लकी? कुछ नहीं, ऐसे ही। प्लीज बताइए ना मुझे, आपको ऐसा क्यों लगा कि आप लकी हैं? वो मैंने आपको यहाँ फर्स्ट टाइम देखा तो कुछ अजीब सी फीलिंग दिल में हुई, सोचा कि मैं आपसे बात करूं। और देखिए ना, आप खुद चले हैं मुझसे बात करने के लिए, तो मैं अपने आप को लकी ही समझूंगा ना। आई थिंक गॉड नोज मी वेरी वेल। बाय द वे, आई एम योर बिग फैन सर। व्हाट? हाँ सर, हर रोज मैं आपका ही टॉपिक निकालती हूँ। मेरा टॉपिक? वो कहाँ पर? ऑफिस में। डेली मीटिंग में मोटिवेशन की जरूरत होती है, ऐसे में आपके वर्क डेडिकेशन के बारे में, कंपनी में आपके कंट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कशन होती रहती है। एक छोटी सी कंपनी को आप मल्टी मिलियनर की रेंज तक कैसे ले गए, इसके बारे में बताते रहते हैं। ओवरऑल कहा जाए तो हर दिन कंपनी में आपके बारे में ही डिस्कशन होती ही रहती है, और मैं भी आपके बारे में सुनकर मोटिवेट होती रहती हूँ। ओह थैंक यू। वैसे मैं तो बस अपना काम करता हूँ, और कुछ खास नहीं, दैट्स इट। इसलिए आप बहुत से लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने हुए हैं। हाँ बस कीजिए, मुझे इतनी तारीफ सुनने की आदत बिल्कुल नहीं है। हम जिस इंसान को पसंद करते हैं उसकी तारीफ करने में बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। अच्छा, मैं यहाँ हूँ ये आपको कैसे पता चला? मुझे पता चला कि आज आप ऑफिस आने वाले हैं, इसलिए मैं ऑफिस जल्दी आ गई। फिर पता चला कि आप ऑफिस में लॉग इन हो गए और मंदिर आ गए, सो आपको ढूंढते हुए मैं यहाँ चली आई। आज मैं फर्स्ट टाइम आपसे मिल रही हूँ, आपसे मंदिर में मिलना ज्यादा अच्छा होगा, यही सोचकर मैं यहाँ चली आई। लेकिन आप यहाँ आते ही मंदिर चले आए, एनीथिंग स्पेशल? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कोई भी काम शुरू करने से पहले मैं भगवान का दर्शन जरूर करता हूँ, और देखिए ना, पूजा भी हो गई और आपसे मुलाकात भी हो गई। थैंक यू। अब ऑफिस चले क्या? ओ हाँ बिल्कुल। वैसे आज का क्या प्रोग्राम है? आज 11:30 को क्लाइंट के साथ मीटिंग है। ओके देन, हम ऑफिस चलते हैं और प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ओके लेट्स गो। ओके, मीटिंग के बाद मैं आपको यहाँ की अच्छी अच्छी जगह दिखाऊंगी, यहाँ बहुत कुछ है घूमने के लिए। तो क्लाइंट मीटिंग तो बहुत बढ़िया रही, अब जरा घूम फिर ले। Why not? It's my pleasure. Excuse me, sir. Oh, Abhi, come in. I mean, my daughter. तुम दोनों के बारे में मुझे सब कुछ पता चल गया है, और मैंने तुम्हारे पेरेंट्स से भी बात कर ली है, वो शादी के लिए तैयार भी हैं। तुम्हारे जैसा लड़का मेरा दामाद होने जा रहा है, ये मेरे लिए खुशी की बात है। हमने तुम दोनों की शादी फिक्स कर दी है, पता है कहाँ पे? तिरुपति में। तुम्हारे पास एक हफ्ते का टाइम है, घर जाकर के आराम कर लो। ओके सर। और कौशल्या से बात कर लेना, वो थोड़ी टेंशन में है। ठीक है सर। हेलो, हाय कौशल्या। हाय अभी, डैड ने, हाय गुड न्यूज़ है। वॉचमैन हाँ
हाय माँ। अभी अभी आई, रुको। हाय अभी, कैसा है बेटा तू? मैं अच्छा हूँ पापा। थक गया होगा, जा आराम कर ले, एक हफ्ते बाद तेरी शादी है। हेलो, अभी आ गया है, शादी का पूरा अरेंजमेंट करना है, मैं बाद में मिलता हूँ। आजा बैठ। अभी तुमसे मिले हुए कितने साल हो गए बेटा। सच में माँ, मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया था माँ, अब से मैं आपके साथ ही रहूँगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, यहीं रहकर कुछ करना बेटा, और हमारा पूरा सपोर्ट तुम्हारे साथ है। थैंक यू माँ। अच्छा ये बता, कौशल्या तुझे दिखने में कैसी लगती है? बहुत अच्छी, सच कह रहा हूँ, आपको बहुत पसंद आएगी। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है, हम बहुत खुश हैं। तू थक गया होगा, तू थोड़ा आराम कर, मैं तुम्हारे लिए अच्छी कॉफी लेकर आती हूँ। हेलो, हाँ मैं यहीं पास में हूँ, ओके बाद में मिलते हैं, तू टेंशन मत ले, मैं देख लूंगा। चल ठीक है, ओके। अरे रुको। हाय सो। हाय राम, कैसे हो? मुबारक हो तुम्हें, तुम्हारा सपना पूरा हो गया, ऐसा ही बनने का। थैंक यू सर, आप जैसे सिंसियर ऑफिसर ही तो मेरी इंस्पिरेशन है सर। थैंक यू राम, बस एक बात याद रखना, पुलिस का धर्म लोगों पे राज करना नहीं है, उनकी सेवा करनी है। यस सर, यू आर राइट, आई विल फॉलो दैट। तो फिर पार्टी नहीं दोगे क्या? व्हाई नॉट, शादी से लौटते ही पक्का दूंगा सर। ओके, शादी किसकी है? मेरे फ्रेंड अभी की है सर। ओह अच्छा, तुम्हारी यूएस के फ्रेंड की है क्या? वो आ गया क्या? हाँ वो आ गया है सर, उसकी शादी में हम सारे फ्रेंड एक साथ जा रहे हैं, आप बिजी थे इसलिए बताया नहीं। ओके, मैं एक स्पेशल केस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, उसी में लगा हूँ मैं। सर आपको भी आना होगा? मैं तो नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मेरी तरफ से उसे विश करना। ओके सर। ओके, भूलना मत। हाँ जरूर सर, बाय सर। इसे गाड़ी में बिठाओ। यस सर। चल। हेलो, कहाँ है तू? बाय। हाँ मैं आ रहा हूँ। ये लो, अभी तक तैयार नहीं हुए क्या? बाहर बस खड़ी है, घर के सब लोग तैयार हैं, बस तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं, जल्दी चलो। अरे सब रेडी है तो आप निकलिए ना माँ। I'll come with my friends, that's my plan माँ। अभी अगर दूल्हा ही हमारे साथ नहीं गया तो हम लोग पहले पहुँच कर क्या करेंगे? अरे माँ, शादी में कितने दिन बाकी है बोलो? सिर्फ 5 दिन बाकी। तो फिर टेंशन क्या है, मैं दोस्तों के साथ वहाँ पर पहुँच जाऊँगा, आप जाइए ना। अभी शादी से पहले दोस्तों के साथ क्या प्लान किया है? देखो ये अच्छी बात नहीं है। बैचलर पार्टी है माँ, शादी के बाद मैं बिजी हो जाऊंगा, दोस्तों से मिले हुए मुझे बहुत टाइम हो गया, समझा करो। ठीक है तुम्हारी मर्जी, लेकिन ये मुझे पसंद नहीं आया, तू मेरा इकलौता बेटा है ना, इसीलिए मैं तुम्हारी बात मान रही हूँ, लेकिन पीने वीने का प्रोग्राम मत बनाना। नहीं माँ, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है मेरा। हाँ हाँ हाँ, मैं तुम लड़कों को अच्छे से जानती हूँ। लेकिन तू मेरा बहुत अच्छा बेटा है ना, मुझे पता है कि तू ऐसा वैसा नहीं करेगा, लेकिन बेटा अपना ख्याल रखना। थैंक यू माँ। ठीक है अब मैं जा रही हूँ, वहाँ सब लोग वेट कर रहे हैं, तेरे आने से पहले सारी तैयारी भी करनी है, संभल कर आना। okay, और मैंने जो कहा उसे याद रखना। राम को फोन करके देखता हूँ। हेलो राम। हाय अभी, कहाँ है तू? मैं गेस्ट हाउस में हूँ यार, तू यहीं पर आ जा, दोनों साथ चलेंगे, ठीक है? हाय राम। हाय अभी, तू रेडी है ना? तेरा ही वेट कर रहा हूँ यार, रुक जा मैं आता हूँ। हाय मैन, तू सच में पुलिस वाला है, सब कुछ खत्म करने के बाद मुझे अरेस्ट करने आया है, इतने सालों के बाद तू मुझसे मिल रहा है, देख क्या रहा है यार, गले लग जा। सॉरी डार्लिंग। इट्स ओके यार। वैसे वो दोनों कहाँ हैं? उन्हें भी बुलाया था ना? उनकी क्या जरूरत है, रास्ते में पीने वीने के लिए बात करेंगे और क्या। ठीक है छोड़, मैं भी चलता हूँ यार। अरे अरे रुक रुक रुक, कहाँ जा रहा है? मैंने किसी को बुलाया है, यहाँ से जाते हुए हम उन्हें रास्ते में पिकअप करेंगे और फिर यहाँ से चलेंगे। ओके ओके लेट्स गो, कम ऑन। हाँ चल। हाँ राम ये ले।
सडनली जर्नी कैसे प्लान कर ली? एंजॉय करने के लिए यार, शहर में घूम फिर कर मैं बहुत बोर हो गया हूँ। अपने घर वालों के साथ गांव में घूमने की बात ही कुछ और है, इसलिए पूरा प्लान किया है मैंने। गांव में आराम से घूमूंगा। ओके, दैट्स नाइस प्लान। आफ्टर लॉन्ग टाइम इतना मजा आ रहा है यार। इस बिल्ली को अभी ही आना था क्या? राम, तेरा फोन है यार। किसका है? अननोन नंबर से, बट थोड़ा फैंसी नंबर है यार। ओ, अच्छा समझ गया, मेरे सीनियर का नंबर है, बहुत ही साइको ऑफिसर है वो। तो तेरी बात करवाऊं क्या उससे? नहीं, तू बात करना है। ठीक है ठीक है। हेलो, राम ड्राइव कर रहा है, मैं अभिमन्यु बोल रहा हूँ। फाइन सर, थैंक यू सर। एनी मैसेज फॉर राम सर? ओके सर। हे, खान का फोन है यार, देखना क्या बोल रहा है वो। हेलो। अरे भाई, कहाँ है रे? बस आ रहा हूँ यार, तू रेडी है ना? अरे मैं रेडी है रे, रोड पे वेटिंग करता तेरे लिए। ओके ब्रो, आई एम जस्ट कमिंग। जल्दी आ रहे हो, पर धूप मारता है। इस लड़के को लगता है अभी तक कोई लड़की मिली नहीं इसीलिए तो ये घूम रहा है। अगर कोई मिल गई होती तो इस तरह से नहीं घूमता। अरे उस साले को मुझको बोल रहे हैं। अरे तू रेडी रहना, हम लोग बस पहुंचने वाले हैं। हाँ ठीक है रे, शुक्रिया। अरे वाह, हैदराबादी बिरयानी खाने को मस्त रहेंगी। एक्सक्यूज मी, आई एम खान, शेर खान, MBA फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। मेरे बाप की 3 लॉरी 3 ऑटो थी, मैं उसको 100-100 करा। मैं क्या बोलूं, जब से मैंने तुमको देखा मेरा दिल चोरी हो गया। यू नो फर्स्ट साइट वैसा ही चो गया। सो आई लव यू, डू यू लव मी? चेहरा देखे बिना प्यार कैसे होगा, थोड़ा नीचे तो झुकिए ना। इडियट, तुम्हारी जगह वहाँ नीचे ही है। सॉरी मैडम। शट अप। एक्सक्यूज मी, तू टेंशन ना ले, शादी तो मैं तेरे से करेगा। एक्सक्यूज मी, आई एम खान, शेर खान, MBA फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। मेरे बाप की 3 लॉरी 3 ऑटो थी, मालूम है मैं उसको 100-100 करा। सच्ची बोलता, जब से मैं तुमको देखा मेरा दिल चोरी हो गया। यू नो लव एट फर्स्ट साइट ऐसा ही चो गया। सो आई लव यू, यू लव मी? उसे देख लो, मैंने कहा था ना। सच में यार। हाय। हाथों। ये तो शक्ल से ही थूका हुआ पान लगता है। कसम से, ये लड़कियां भी ना। बाप रे, ये लोग देखा क्या? क्या रे, क्या हुआ, कैसा है तू? हाय अभी। क्या हुआ रे? क्या होगा, लड़कियां छेड़ रहा था, उन्होंने ही कुछ किया होगा। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? अबे बोलना। अबे ओ, चुप रह। तू जरा अपना फेस दिखा। मैंने कहा कि फेस दिखा। मैंने कहा था ना। चल यार चल, रास्ते में बात करेंगे, आजा बैठ जा। वैसे बहुत मजा आया। क्यों बे, सिर्फ गाल पे ही पड़ी है या कहीं और भी? टेक इट इजी ब्रो, लड़कियों के हाथ से मार खाना छोटी बात नहीं होती। अबे तू अपना काम कर, सामने देखना। क्या बोलता है बे, मेरे को मार पड़ी है, तू हंसता है बे? अबे मैं तो बोलता हूँ तू बहुत ही खुशनसीब है जो तुझे चप्पल से नहीं हाथ से मारा। ए अभी, हैंडसम दिखता है रे। थैंक्स ब्रो, पर तुझसे ज्यादा नहीं। अरे चुप रह। अबे नजर मत लगाना तू। हाँ, अच्छा तू ड्राइव कर रहा है बच्चा? अबे तू बचपन से ही ऐसा है क्या? तेरे को क्या करना है बे? हे, तू तो चुप ही रह, लड़की देखी नहीं, लाट अपकाना शुरू। अबे प्रॉब्लम क्या है तेरी, इतना उतावला क्यों रहता है?
तुझमें पैसों का घमंड है क्या? नहीं रे, लव है, तुझसे भी करता हूँ, मैंने प्यार किया रे। अबे बकवास मत कर तू, वरना पिछवाड़े पे ऐसी लात मारूंगा ना कि लड़कियों को देख के उनके पीछे भागने की बजाय खुद लड़की बन के देना देना करके ताली बजाता फिरेगा। ए तू है ना रे, अबे ए, चान, चान, ए, चान, ए, आगे देखना रे। कूल यार, अब कहाँ रे? वी आर गोइंग कॉल सेंटर। वाय अभी लड़की के लिए क्या? नहीं यार, राहुल को पिकअप करने के लिए। ओ, वो गधा है ना रे, मैं भूल ही गया था। हे राम, तू जल्दी चल। ए यू नो, राहुल इज अ गुड पर्सन ब्रो। क्या बोला रे, वो साला अच्छा और मैं बुरा हूँ क्या? अबे सच्ची बात हमेशा कड़वी लगती है। अच्छा बेटा हरीशचंद्र, तू पीछे मत देख, रोड देख के चल। अबे साले, दुनिया चेंज हो जाए, वो चेंज नहीं होने वाला। रात में कॉल सेंटर में काम करता है, गंदे गंदे वीडियोस देखता है, फिर सपने में जाके प्रैक्टिकल करता है। ये सब देख के उसकी माँ बहन परेशान होती है रे। पहले तो सिर्फ रात के वक्त सपने देखता था, और अब कॉल सेंटर में लग गया है ना, तो नाइट में ड्यूटी कर रहा अच्छा? है। और पता है आजकल वो दिन में सपने देख रहा है, और वो सोता कब है उसे भी नहीं पता। सच में यार, उसकी पापा की डेथ के बाद से वो बहुत प्रॉब्लम में आ गया है। सही कह रहा है यार, उसे बिजनेस में बहुत लॉस हुआ है, लेकिन उसकी माँ जॉब करती है इसलिए उसका घर भी चल रहा है और उसके खर्चे भी। मतलब ये है कि एक अमीर आदमी अब गरीब बन गया है ना? करेक्ट, राहुल बहुत अमीर था, गरीब तो बना है, और ये गरीब शेर अमीर बन गया है, इसलिए इसे कुछ ज्यादा ही खुजली है। चुप रे, माइक खुजली नहीं करता, उंगली करता हूँ रे। अगर तेरा यही रवैया रहा तो तू कभी नहीं सुधरे। तू तुझ पे, तू आदमी है कि शैतान है, दलिंदर माफिक बात करता है साला। हे, जब मैं ड्यूटी ज्वाइन करूंगा ना तो सबसे पहले तुझे अंदर करूंगा। अरे शांत हो जा यार। ए राम देख कितना खूबसूरत व्यू है, मजा आ गया देखकर। बहुत दिनों के बाद ये खूबसूरत नजारा देख रहा हूँ यार, दिल बिल्कुल शांत हो गया है। बहुत सालों से यहाँ आने का इंतजार कर रहा था, आज आ ही गया। हाँ यार, मुझे भी यहाँ आए हुए बहुत दिन हो गए, सच में ये जर्नी बहुत ही एक्साइटिंग है। राहुल का घर यही है ना? हाँ यही है, वो यहीं कहीं अप डाउन कर रहा होगा। ये तो अभी तक सो रहा है यार। ए, चल उठना। उठ राहुल के बच्चे। राहुल, चुप्पे साले, बदमाश, वही गंदी मूवी देख रहा था ना तू। हे हाय अभी। अबे राहुल, तूने मुझे डरा दिया यार। हे, घर में कोई नहीं है क्या? सभी लोग इसकी शादी में तो गए हैं। अरे बापरे, सब लोग इसकी शादी में गए हैं, और तो दिन में सपने देख के अपने दूल्हे की ही जान लेने की कोशिश कर रहा था। क्या राहुल, रेडी होने के बजाय तू यहाँ पे सो रहा है? नो अभी, मैं ऑलरेडी रेडी हूँ, तुम लोगों का इंतजार करते करते बस थोड़ी सी नींद लग गई, फिर मुझे फिल्मों के सपने आने लगे। देखो ना, मैं रेडी हूँ, दिख नहीं रहा है क्या? क्या रे, क्यों देख रहे मुझे? हे राहुल, तेरा गांव बहुत प्यारा है यार, यू आर सो लकी, फ्रेश एयर, नो पोल्यूशन, नाइस यार। अरे अभी आज फुल एंजॉय करेंगे यार, खेलेंगे कूदेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे, कम ऑन ड्रेस चेंज। चल बता भाई क्या पिएगा? कुछ भी बोल यार। कुछ भी पिला दे यार। अरे मोटे भाई, चाय दे ना। ठीक है, बनाता हूँ साहब। माँ,
हम लोग पहुँच जाएंगे माँ। सबने खाना खाया ना? नहीं अभी नहीं खाया। अच्छा रूपा क्या कर रही है? अभी की शादी का फंक्शन देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तेरी बहन रूपा की शादी भी जल्दी करा दूं। हाँ करवा देंगे माँ, 2 महीने में मेरे सेविंग के पैसे भी आ जाएंगे माँ, तब हम उसकी शादी धूमधाम से करवा देंगे। ठीक है बेटा, संभल के आना। हाँ ओके माँ, बाय। क्या रे बहन का शादी है क्या? क्या बात कर रहा है तू? लड़का देख रहे हैं। अरे मुझे बोलता तो मैं तेरी बहन के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ देता, मेरी शादी के साथ साथ उसकी भी शादी हो जाती। उसके लिए अभी टाइम है, अभी कंपनी में लोन के लिए अप्लाई भी किया है, पैसे मिलते ही शादी करवा दूंगा। व्हाट राहुल, तेरी बहन मतलब मेरी बहन, उसकी शादी के लिए जितना भी खर्चा है वो सब मैं दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है एक भाई का अपनी बहन के लिए। ओके समझ गया ना? ओके थैंक्स यार। मेरा भी यही कहना है, अच्छा लड़का मिल जाए तो जल्दी जल्दी करवा देंगे। ए तू चुप रह, अगर तेरी बहन होती तब तुझे समझ आता, एटलीस्ट लड़कियों के साथ तू तमीज से तो पेश आता। तमीज मेरे को मालूम रे, अब चुप कर। इसके बारे में सबको पता है, तू अपनी बता। ये ना एक लड़की से प्यार करता है। सच्ची में? वो लड़की ऐसा ही जॉब को ट्राई करता है। रियली? ऐसा कुछ नहीं है, इसकी मत सुनना तू। यार अभी बचपन से ये जिस लड़की से प्यार करता है ना, वो इसके मामा की लड़की है। ओहो, मामा जी की लड़की है, कंग्रेचुलेशंस ब्रो। थैंक यू। अबे राम रुक साले रुक, पागल साले ऐसे दुश्मनी निकालेगा? अबे चल बैठ ना। बाहुबली से लड़ेगा, आ दिखा अपनी ताकत, आजा लड़ मुझसे। अबे साले क्या चल रहा है, रोमांटिक सपना नहीं आता तेरे को जब देखो लड़ने की बातें करता है? क्या हुआ यार? वो सपना नहीं हकीकत है, इस शेर खान ने तेरा मुंह और नाक बंद कर दिया। अबे साले मर जाता तो मैं। अरे अरे सॉरी मेरे भाई, साले जान से मार दूंगा मैं तुझे। राहुल देख बच्चा राहुल, मेरी बात सुन, हमारी जिंदगी बहुत छोटी है रे, ऊपर से जवानी और भी छोटी है रे। हे अपनी बकवास बंद कर यार, ये दोनों जब भी साथ में होते हैं ऐसे ही लड़ते हैं। बाय द वे मैं पूछना भूल गया, तू जॉब कब ज्वाइन कर रहा है? तेरी शादी होने के बाद। प्रोसेस सारा कंप्लीट हो गया है, सब कुछ रेडी भी है, बस तेरी शादी होने का वेट कर रहा था। वो सामने बोर्ड कैसा लगा है देख? ओ रोड डाइवर्जन है, टेक अ लेफ्ट। ओके ओके। जरा देख तो कौन है? हे पागल है क्या रास्ते से? क्या है रे, जवान है तो कुछ भी बोलेगा, मेरे श्राप से सबका सर्वनाश हो जाएगा। ए दिमाग में थोड़ा निकल यहां से। माँ जी थोड़ा रास्ता दीजिए ना प्लीज, हमें जाना है, देर हो रही है माँ जी प्लीज। जाएंगे सब लोग जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, जाओ कोई नहीं बचेगा, सबका सर्वनाश होगा, तुम सबका समय पूरा हो चुका है, सब मरोगे। क्या हो गया इसे, ये इतना खुन्नस से क्यों देख रहा है? क्या पता यार, मुझे ऐसे कपड़ों में देखकर शायद वो अजीब फील कर रहा होगा। टेक इट इजी ब्रो। साधु की अखियां मेरे को डेंजर लगती बाबा। हे तूने उसे डांटा ना? हाँ बाबा। इसीलिए तुझे ऐसा लग रहा है? अबे चुपचाप बैठ जाना। अबे उल्लू चल बा आगे को बढ़। क्या करूं, एक भी गाड़ी नजर नहीं आ रही है, हे भगवान मेरी मदद कर। आजा 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 आजा। अरे गाड़ी अरे आना, एक गाड़ी आ रही है। सर 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 रुकिए सर, स्टॉप स्टॉप सर सर रुकिए। ये कौन लिफ्ट मांग रहा है? पता नहीं यार कौन है ये। लिफ्ट प्लीज लिफ्ट सर 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 प्लीज गाड़ी रोकिए। अरे रुकना यार। हे अजनबियों को बिठाना ठीक नहीं है यार,
अरे यार वो देखने में हमारी उम्र का है, बैठा लेते हैं, बैठाने से कुछ टाइम पास हो जाएगा। तेरी मर्जी। आ गई। यार देखने में थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, बैठेंगे कुछ बातचीत करेंगे टाइम पास हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसको बैठा लेते हैं। सर प्लीज 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 सर प्लीज सर लिफ्ट दे दीजिए सर, सर सर आपकी बड़ी मेहरबानी होगी सर, मैं यहाँ बहुत देर से रुका हुआ हूँ सर, सर प्लीज मुझे अंदर ले लीजिए सर, सर प्लीज सर सर मैं बहुत देर से खड़ा हूँ सर, प्लीज सर मुझे लिफ्ट दे दीजिए ना सर, प्लीज बोलिए ना सर, बिठा लीजिए ना सर, सर 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 बहुत देर से इधर कोई गाड़ी नहीं आ रही सर, बहुत देर से रोड पे खड़ा हूँ, प्लीज सर बिठा लीजिए ना। जाना कहाँ है सर? 10 किलोमीटर बाद उतर जाऊंगा सर, बिठा लीजिए ना सर। हमारी कार उड़ती है, चलेगा? गाड़ी कैसे उड़ सकती है सर? Yeah. कैसे उड़ती है सर? मेरा दोस्त पायलट है ना। सर सर प्लीज सर मेरा सर दुख रहा है सर, मुझे टेंशन हो रहा है सर, अंदर बिठा लीजिए सर, आप कहिए सर, सर प्लीज सर जाइए ना सर, सर मेरे पास टाइम नहीं है सर, बिठा दीजिए ना। तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो हम तुम्हें लिफ्ट क्यों दे? बोलो सर, मेरे साथ टाइम पास करने में कोई जोकर लग रहा हूँ सर आपको। इतना परेशान क्यों हो रहा है? किसी का कुछ चुरा के भागा है क्या? सर चोरी करना मेरे खून में नहीं है सर, प्लीज सर, क्या मैं शक्ल से आपको चोर लगता हूँ सर? आई एम टू इंटेलिजेंट यू नो। चल बैठ जाओ। सर्टिफिकेट दिखा। कैसा सर्टिफिकेट सर? जेंटलमैन सर्टिफिकेट। ए सर्टिफिकेट के बारे में सुना है, यू सर्टिफिकेट के बारे में सुना है, ये कौन सा सर्टिफिकेट है सर? ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में पूछ रहा है। ओ उस सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं सर, वो एलसी मेरे घर पे रखा हुआ है सर, गुड कैरेक्टर ऐसा लिखा है उसमें, कसम से कह रहा हूँ सर। प्लीज सर बिठा लीजिए, प्लीज सर बोलिए ना, प्लीज बिठा लीजिए सर, प्लीज सर। ठीक है पीछे जगह वहाँ पर बैठ जाओ, जाओ थोड़ा अंदर हो जाइए ना सर। अरे आराम से भाई, आराम से बैठो। टाइम खराब हो तो कुछ भी हो सकता है सर। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ओके ओके जल्दी चलिए सर, चलिए चलिए सर। सर गर्मी बहुत हो रही है, थोड़ा एसी चालू कर दीजिए ना। ओके ना, बहुत अच्छा लग रहा है सर। आप कुछ ज्यादा ही समझदार है सर। शुक्रिया शुक्रिया। By the way, राम, आत्मा राम। I'm खान, शेर खान। I am अभी, अभिमन्यु। वो राम है, एंग्री मैन, पुलिस में है। नमस्ते। हे राम, तेरा मेहमान। मुझे तो तेरी बिरादरी का लग रहा है। सर ये इतनी देर से सो क्यों रहे सर? ये ऐसा ही है, एंटीक है। हाय सर, आई एम आत्मा राम। आई एम राहुल। ऐसे नहीं सर, आपको भी स्टाइल से बोलना पड़ेगा। हाँ बंदर जैसी शक्ल है तेरी, और तू है कि स्टाइल की बात कर रहा है। हा? पिछली दिवाली पर मैंने भी 3 जीन्स पैंट 3 टी-शर्ट और 3 गॉगल पहने थे सर। सब एक साथ कैसे पहन लिया तूने? इंसल्ट मत कीजिए सर, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। आई एम सिंह, राहुल सिंह। ओहो तो आपके सिंह कहाँ है? एक नंबर का पागल है। किसे कहा सर? तुझे और किसे? मैं सर। कंफर्म या वेटिंग लिस्ट में हूँ सर। इसकी तो क्या लगा रखा है, निकालो इसे बाहर। अरे रे रे रे, नहीं सर प्लीज सर, लोगों को सोता देखकर मुझे परेशानी होती। क्यों? मुझे चैन से सोए 1 साल हो गए सर। क्यों, तू भी नाइट ड्यूटी करता है क्या? नहीं सर, डे नाइट ड्यूटी सर। तुम सच कह रहे हो? तुम्हें देखकर लगता है कि कोई लड़की का मैटर है। सच बोलो, कोई लव अफेयर है क्या? हाँ सर, लव अफेयर। तुझसे तो कोई चुड़ैल भी शादी नहीं करेगी। नो आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं सर, मैं उसके पीछे नहीं पड़ा, वही मेरे पीछे पड़ी है, इसलिए तो टेंशन में हूँ सर। ओह सुपर्ब, मतलब कि लव स्टोरी अच्छी है। नहीं नहीं, हॉरर स्टोरी है। ये क्या है, वो क्या है? इसमें पेट्रोल है और इसमें वो है। दोनों को मिला के पीता है क्या? सर मजा मत लीजिए, मैं टेंशन में हूँ। क्या? ये मैं पीतू, वो तुम डालो। आप पर क्यों डालूं सर? ये पागल नहीं, ये तो महापागल है। कंफर्म है या वेटिंग लिस्ट है सर? वो बाद में बताएंगे, पहले तुम क्या करते हो ये बताओ। मैं घूमता रहता हूँ सर। कहाँ? जहाँ सुकून हो। hey, मुझसे मजाक कर रहा है, उतारूं तुझे नीचे? पसंद नहीं, चलिए सर प्लीज सर, प्लीज प्लीज सर। ये किताब कैसी है? आत्मकथा है। तेरी है क्या? नहीं सर, मेरी आत्मा की है। hey, तूने फिर से शुरू कर दिया। तू नीचे उतर, नीचे उतर, तू नीचे उतर। प्लीज सर, प्लीज सर, जबान फिसल गई सर। ओके यार चलना। सर ये इतना गुस्सा क्यों करते हैं? इनको भी बहुत टेंशन है क्या? हाँ आंखें देख, आंखें देख। तुझे इससे क्या है? चल स्टोरी सुना, नहीं तो नीचे उतार दूंगा। सर भला आपकी फरमाइश को कौन टाल सकता है, आप कह रहे हैं तो सुनाता हूँ। बहुत ही अजीब स्टोरी है सर, जिसे लड़की समझा वो आत्मा निकली सर। फिर आत्मा कह रहा है। ओके फिर क्या हुआ?
मुझसे प्यार किया। हंसी है सर, और हंसी है, लेकिन यकीन कीजिए। चलो आगे बोल। मैं जिस घर में रहता हूँ वहाँ बहुत दिनों से एक लड़की की आत्मा रहती है सर। वो मुझसे प्यार करती है सर, उसकी वजह से मेरे दिल में डर बैठ गया है सर। कब आएगी और क्या करेगी, इसी डर से मैं सो नहीं पा रहा हूँ सर। मुझसे कहती है अगर मुझसे प्यार नहीं करोगे तो तुम्हें जान से मार दूंगी। अब मैं इतना हैंडसम हूँ तो इसमें मेरी गलती है क्या सर? सारी लड़कियाँ यही कहती हैं। बस यही मेरी कहानी है सर। मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ आत्माराम। वैसे आत्माराम मुझे एक बात तो बताओ, तुम ये बॉटल साथ में क्यों लेके चलते हो? वो जिसके शरीर में आती है उससे राजा कह के बुलाती है। जिसे बुलाएगी उसके शरीर पे पेट्रोल डालकर जला दूंगा उसे, तभी पीछा छूटेगा मेरा। तूने किसी पे पेट्रोल डाला है क्या? डालना क्या है, डालकर जला भी चुका हूँ मैं। हाँ चल आगे बोल। जब मैं हाईवे से गुजर रहा था तो एक लड़की मेरे पास आई और मुझे राजा कह के बुलाई। मैंने उसे जाने को कहा तो उसने कहा मैं नहीं जाऊंगी। उस समय तो मैं वहां से बच निकला और रास्ते में एक पेट्रोल पंप के पास रुका, 2 लीटर पेट्रोल ना कैन में भरवाया। वो पीछा करते हुए वापस आई, उसने फिर मुझे पुकारा। मैंने उसे सीरियसली बोला तो मेरा पीछा छोड़ेगी कि नहीं? वो बोली नहीं। उसने मुझे आई लव यू कहने के लिए कहा। मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा तू आंख बंद कर, मैं तुझे आई लव यू कहूंगा। उसने आंख बंद की और मैंने उस पे पेट्रोल डाल दिया। बाजू से एक बेवकूफ आदमी बीड़ी फूंकते हुए जा रहा था, मैंने उससे बीड़ी ली और उस पर फेंक दिया। फिर क्या, जल के खाक हो गई। और वो लड़की, ए तू पागल है क्या? कंफर्म है क्या सर? कंफर्म। हाँ अबे तेरी हरकतें जैसी है ना, पुलिस तेरा इनकाउंटर कर देगी। मतलब अब तक मैंने जो आपको बताया वो आपको मजाक लग रहा है क्या सर? क्या कर सकते हैं, जब अपना टाइम ही खराब होता है तो चरित्रहीन स्त्री भी पतिव्रता लगने लगती है। बिल्कुल सच कहा आत्मा। मतलब तुम्हारी ये लव स्टोरी कम हॉरर स्टोरी कम क्राइम स्टोरी है, राइट? कम कॉमेडी स्टोरी भी। क्या चश्मे वाले भाई साहब, यहाँ मेरी लगी पड़ी है और आपको मजाक सूझ रहा है? हे लुक एट द टेडी बियर, इट्स वेरी नाइस। हाँ यार बहुत प्यारा है। अबे स्टॉप स्टॉप स्टॉप, मेरे दिल को हार्ट अटैक आता, चल पीछे ले। वैसे ही हम लोग रोक रहे थे गाड़ी, अब ये कौन है? साला फिर से शुरू हो गया। अब ये क्या कह रहे चश्मे वाले भाई, इनके सीने में दर्द हो रहा है ना? सच में क्या? ए उधर एक ब्यूटीफुल लड़की है रे, इधर प्यार का अटैक आया। हार्ट अटैक नहीं। अरे अभी वो लड़की को लिफ्ट दे रहे। हे अब भी वक्त है, सुधर जा वरना तू बहुत पछताएगा। तुझे एक दिन सच में ना हार्ट अटैक आ जाएगा, तब हम उसे जोक समझकर तेरी मदद नहीं करेंगे और तू वहीं मर जाएगा। भाई सही कह रहा है तू। आप कहीं भी दर्द का बहाना कर लीजिए, लेकिन छाती दर्द का बहाना मत कीजिएगा सर। तू चुप रह कालिया कहीं का। आप उस साइड से बैठिए। अरे बदमाश, लोफर कहीं का, जानवर कहीं का, गटर कहीं का। भूत थी यार, सच में वो लड़की भूत थी। चुप बे साले, लड़की को देखो और उसे भूत भी बना दिया। तेरा पागलपन ज्यादा हो गया है। राहुल कैन यू प्लीज सिट बैक। अरे बाप रे, भूतनी फिर से मेरे पीछे आ गई। मुझे इतना सुंदर क्यों बनाया भगवान? आओ ना बाबा। राजा क्या हुआ राजा? तू फिर आ गई सूर्पणखा? मुझे छोड़कर चले आए राजा, तुमसे प्यार करती हूँ कहा था ना, फिर भी मुझे छोड़कर चले आए राजा। हे भगवान, लगता है ये भूतनी जिंदगी भर मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। तू जाना मेरी बात। राजा राजा, तू कहीं भी जाए पर मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगी राजा। मुझे अपना बना ले मेरे राजा, मैं प्यार करती हूँ तुमसे, फिर भी तुम मुझसे कितना डर रहे हो राजा। मेरे पास आओ राजा, भाग चलते हैं।
अगर तू सचमुच प्यार करती है तो भाग जा यहाँ से। एक्सक्यूज मी, क्या है बे? आई एम खान। चुप, शाहरुख है या सलमान है, मुझे क्या। चलो ना यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं राजा, कहीं भाग जाते हैं। कोरोना वाली क्या रे, किरकिर लगा रखी है। शाहरुख खान नहीं, आई एम शेर खान। तो जो भी है मुझे उससे क्या, मुझे तो सिर्फ मेरा राजा चाहिए। चलो ना साथ में एक गाना गाते हैं, और अगर तूने नहीं गाया ना। क्या बे, शैतान की बच्ची मारता क्या। तुझे क्या लगा मैं वापस नहीं आऊंगी राजा। मुझे पता था तू आएगी, इसलिए तो भाग रहा था मेरी माँ। प्लीज मेरा पीछा छोड़ दे, मेरा पीछा छोड़ दे। अरे छोड़ दे। ए जरा सुन, ए चाहिए क्या तुझे। बोलता सुन, मांस कटा। आओ ना राजा, हम लोखंडवाला में घर बनाएंगे, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी पाऊंगी राजा। मेरी माँ। Hey, I'm Khan, MBA from Australia। तो क्या मैं नाचू। मेरे बाप की 3 लाउरी 3 आउटो थी। बेच दे, जाकर बेच दे उसे। Hey, मेरे को इंसल्ट करता, माई उसको साउ साउ करा। वेल सेटल्ड बिजनेसमैन, सो तू मुझको अच्छा लगा। अबे हट बंदर हट। तू साली सुअर कहीं की, शैतान कहीं की, गटर कहीं की। मैंने पहले कहा था ना मत ले इसे, ये भूतनी है। आई लव यू, बोलो ना राजा, बोलो ना राजा। क्या तुझे आग थू भी ना बोलूं मैं। लेकिन मुझ में क्या कमी है राजा, तू मुझसे दूर क्यों भाग रहा है राजा। तेरी तो अभी रुक, बताता हूँ तुझे। रुक जा, अरे ऐसा मत कर। अरे अरे ऐसा मत कर, ये ऐसे नहीं मानेगी, मर जाएगी वो। अरे क्या, आज इसको छोड़ूंगा नहीं। अरे तू मुझसे बच के नहीं जा सकती। मत कर ऐसा। अरे अरे रोको इसे। अरे तूने सिर्फ मेरा प्यार देखा है, अगर तू नहीं आया तो नफरत भी देखेगा। आ जा राजा, आ मेरे साथ राजा, आ भाग चलते हैं राजा। पीछे बैठे कैरेक्टरलेस आदमी को छोड़कर तू मेरे पीछे पड़ी हुई है, जीना हराम कर रखा है मेरा। आज तुझे इस पेट्रोल से चला के तेरी राख को दूध में मिलाकर पीऊंगा मैं। अब तो तू गया, नहीं तुझे तुम लोगों में से कौन मरना चाहता है, बोलो। मुझे मत मारना, इसे मार दो। नहीं नहीं नहीं, इसे इसे इसे, स्टॉप इट गाइस। क्या कर रहे हो तुम लोग। हे दिस इज कौशल्या, माई वुड बी। मतलब लोखंड वाला कैंसल। मस्ती कर रही थी, ये हमारा प्लान था। थोड़ी देर पहले अभी जब मेरे पास आया तो उसने मुझे आप सबके बारे में बताया। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आप सबको डराऊं, भूतनी बनने का नाटक करूं। मुझे भी ये थ्रिलिंग लगा, इसलिए मैं मान गई। अगर आपको बुरा लगा तो आई एम सॉरी गाइस, हमने सिर्फ एक छोटा सा ड्रामा किया, जस्ट फॉर फन। हाय सिस्टर, आई एम राम। हाय राम। हाय, आई एम राहुल। हाय राहुल। क्या हुआ, इतना परेशान क्यों लग रहा है तू? इनसे गलत पेश आया इसलिए, या लड़की हाथ से निकल गई इसलिए? शर्म नहीं तेरे को, वो मेरी बहन रे। हाय बहन। हाय खान। हाय आत्माराम। हॉरर स्टोरी अच्छी थी ना? What a surprise, sister. और नहीं तो क्या, जर्नी तुम ही लोग एंजॉय करोगे, मुझे कोई हक नहीं है क्या? इसलिए मैं आ गई। आपको ये शादी के पहले की जर्नी हमेशा याद रहेगी सिस्टर। इसने मुझसे क्या कहा पता है, कि तुम लोग बैचलर पार्टी खूब एंजॉय करोगे मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहती हूँ, इसलिए मैं साड़ी पहनकर शर्माती हुई दुल्हन की तरह बीच रास्ते में आऊंगी और गाड़ी में बैठ जाऊंगी। तो मैंने सोचा कि हमारी जर्नी बोरिंग ना हो, इसलिए मैं इसकी बात मान गया। वैसे भी तुम सबको सरप्राइज देना इसका ही प्लान था। शादी से पहले इस तरह अपनी ही शादी के लिए निकल पड़ना बहुत ही थ्रिलिंग लग रहा है ना। आपके लिए थ्रिलिंग है, पर मेरी तो फट गई थी ना। अरे दे दे दे, थोड़ा समझ कर सर, आराम से। अरे बजा दे दे। अरे काई करे। हैं, अब मुझे ही देखना पड़ेगा। क्या हुआ राम? क्या हुआ? ओ पंचर हुआ है। आप क्या करेंगे सर? कुछ नहीं, टायर पंचर हो गया। वो तो मुझे भी पता है। हेलो राम, क्या देखता रे, ये बंदर से टायर लगाएगा क्या? हे तू जाके टायर लेके आना, जाना जल्दी। जा जा जा, चल जा। जाना आत्माराम, तू भी आ रे। नौकरूं तेरा। हो गया? हो गया क्या, ये ले। गाड़ी जब तक ठीक नहीं होती हम घूम कर आए क्या? चल रे काम चालू कर। ए चेंज कर रहा है ना? चश्मा या टायर?
जल्दी कर। हाँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ, हटो। हे राम, जब तक ये पंचर बना रहा है हम लोग उस तरफ घूम कर आते हैं। हाँ ठीक है। ओके बाय गाइस, एंजॉय 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 करो। तुम ही जाओ। हे तू अपना काम करना यार। पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था जो इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। एक लड़की तो साली पटी नहीं और भूतनी पीछे पड़ गई। हाय रे किस्मत। हे चुपचाप काम करना यार। सर पुलिस वाले सर थोड़ा शांत रहिए आप। आप इस तरह से मुझ पर भड़केंगे तो मैं काम कर पाऊंगा क्या? मुंह बंद रखो ना, मुझे अपना काम करने दो। हे जाके उसकी मदद करना, नहीं तो तेरा सर निकाल के टायर के नीचे रख के नींबू की तरह निचोड़ दूंगा। चल जा। अबे आत्माराम कर रहा ना रे। इट्स सो ब्यूटीफुल। अच्छा हुआ तुम आ गई। आई लव यू। मी टू। आज तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? कि मैं सचमुच वाली दुल्हन नहीं हूँ क्या? लगता है तुमने कोई और लड़की देखी है। I'll kill you. Sorry. I know. You're so smart. वैसे हम अपना हनीमून ऐसी जगह प्लान करेंगे। तुम्हारी मर्जी। तुम मेरे सामने हो, ये मौसम कितना खूबसूरत है। हम प्यार करें और कोई आ गया तो? कोई नहीं आएगा। साले मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं जान से मार दूंगा। मुझे छोड़कर जाएगा तू? हाँ नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे, तेरा सर फोड़ दूंगा आज मैं। हाँ नहीं छोड़ूंगा तुझे, मुझे छोड़कर जाना चाहता है तू? हाँ छोड़कर जाना चाहता है? नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं, जान से मार दूंगा तुझे मैं आज। अबे अपना इलाज करवा। जान से मार दूंगा, सर फोड़ दूंगा तेरा। मारना तू मेरा जूता ले, जूते से मार, पत्थर तो फेंक दे। मजाक कर रहा है तू, जान से मार दूंगा तुझे। बस यूं ही टाइम पास कर रहे तेरे। यूं ही टाइम पास के लिए तुम्हारी तो ऐसी की तैसी। आप लोगों को प्रणाम करता हूँ, आप लोगों से तो आत्मा ही। अरे गुस्सा काई को रे। हैं गुस्सा काई को? अब वे साले बत्तीसी दिखा रहा है, तू जो बोलता है समझ में तो आता नहीं। कोपा काईकू, ये काईकू, वो काईकू, दिमाग खराब करके रखा है। पहले अपनी हिंदी सुधार, जो बोलता है ना सर के ऊपर से जाता है। सुन रहे आप सबको नमस्कार, आपको भी नमस्कार, मुझे इजाजत दीजिए। तेरे से तो आत्मा ही अच्छी थी वे काईकू। अरे सुन तो भाई, ये क्या? आपकी भाषा बहुत अच्छी है। ये लो। क्या रे? अरे मेरी तरफ से तोहफा ये। अबे आत्माराम, अबे तू तो नाराज हो गया रे, वापस आ जा रे। अरे रुकना रे, अरे इधर वापस आ रे, वापस आना। बाय आत्माराम। ड्राइवर राम चल गाड़ी निकाल। बहुत मजा आया पर। अरे अब उसके पीछे मत पड़ो अभी। व्हाट नेक्स्ट? यार रास्ते में कोई अच्छा सा ढाबा दिखेगा ना तो वहां जमकर खाना खाएंगे। सिर्फ खाना ही क्या, और क्या मिलेगा? हे ये ढाबा में सब मिलता रे, जो खाने का मन बोल सब मिल जाएगा। फुल एंजॉय करेंगे भाई, आज तो फुल जोश में रहना रे। हे कौशल्या अपने साथ नहीं आई? हे कौशल्या कम आउट। आई एम टायर्ड, तुम लोग जाओ। उसे आराम करने दे बाबा। हाँ यार सही कह रहा है, बहुत देर हो गई यार, चल कुछ खाते हैं। ओके चलो आओ, लेट्स गो। मेरे लिए भी कुछ लेकर आना। हाँ क्या रे हीरो, फाइट करेगा क्या? तेरी तो। अरे मत करो यार। अरे यार चुपचाप चल ना। चुप आओ खाना खाते हैं। क्या रे तू भी? अरे चुप बोला ना। तू कौन है? हाय यू आर सो हैंडसम। Hey, don't touch.
जाके जाके इसको पकड़ा रे। ए, इसके लिए थम्सअप ले आना। क्या लिखता है? एक थम्सअप सर और मैडम के लिए वो वाला। नो नो, मेरे लिए ना सिर्फ एक थम्सअप ले आओ। हे राहुल, जाके खाने के लिए कुछ अच्छा सा ऑर्डर करके आना यार। ओके। क्यों रे, इस ढाबे में वो सब सर्विस मिलती है क्या? सॉरी, सीक्रेट ऑर्डर किया, मेरा भी काम बन जाएगा। ओके गाइस, सी यू सून। ए, हम सब के लिए मिक्स कर और उस लड़की के लिए सादा लेकर आना। बेचारी लड़की है सर। अबे साले, तभी तो मना कर रहा हूँ मैं, उसे बुरा लगेगा सर। अबे तू तो जो कह रहा हूँ वो कर। लड़की को धोखा देना गलत है सर। गलत क्या है? आप लड़की हार्ड पैक मांग रही है और आप यहाँ सादा थम्सअप बनवा रहे हो सर। लड़कियों के साथ ऐसा करना गलत है ना सर? अरे अरे हटना। आप इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? अबे तेरी प्रॉब्लम क्या है? आप मेरी इज्जत नहीं करेंगे तो चलेगा, लेकिन मेरी शक्ल की इज्जत करो सर। भाग्या से। हेलो सर, रुकिए तो। अबे तेरी प्रॉब्लम क्या है यार? मेरी प्रॉब्लम पूछने के लिए थैंक यू, वैसे भी आप बहुत अच्छे आदमी लग रहे हैं सर। वन क्वार्टर प्लीज, ज्यादा नहीं है ना, वन क्वार्टर प्लीज। ए सुनना, इसे भी एक क्वार्टर दे देना। थैंक यू सर। ओके जाइए। ए तेरा नाम क्या? ए लड़की इधर देखना। साले ने दिमाग खा लिया, बेवड़ा साला, पूरे मूड की बात लगा दी। कौन रे? चलो पियो। Cheers. Hey, क्या हुआ तुम्हें? One second, वो लड़की इस थम्स अप को कैसे पीती है देखना चाहता हूँ मैं। लड़कियाँ सिर्फ थम्स अप पीती है, समझ आया? चल निकल। ओ थम्स अप, ये लड़की कैसे पीती है देखना चाहता हूँ। दैट्स ऑल। क्या बात कर रहा रे, चल। सॉरी 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 सॉरी। जाओ जाओ जाओ। अरे यार, ये तो हमारे बाजू में ही बैठा है। हम सब तेरी तरह रसीला है। Absolutely. एक और थम्स अप पीने के बाद और अच्छा लगेगा सब कुछ। ए बच्ची, इधर देख। ए खान, अरे सुन, मैं तुझे ही बोल रहा हूँ। मेरी तरफ देखना। ए अबे तू ठहर बे। कब सुधरेगा ये? ए क्या हो गया यार इसे? ए सुनना, ए सुनना। हे क्या है बे? तेरी इतनी हिम्मत की तूने लेडी पुलिस को छुआ? लगाऊं क्या कान के नीचे? पुलिस? पुलिस है ये? क्या हुआ, शॉक लगा क्या? मैं तो मजाक कर रही थी। ये इस ढाबा की स्पेशल केक थी। ओके गाइस, एवरीवन एंजॉय द पार्टी। बाय बाय। अबे तेरी तो, तू सुधरेगा नहीं क्या? किसी के भी पीछे पड़ जाता है। ए, तेरा काम तू देख रहे, मुंह बंद कर। अरे क्या रे, सब अपनी अपनी जगह पर सही है, छोड़िए ना। ए, बस करो यार, क्या लड़ रहे हो तुम दोनों? जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता है, जितना लिखा उतना जीना ही पड़ेगा। मैं एक कहानी सुनाता हूँ। कौन सी? चंदा मामा की? नहीं, एक कहानी जिंदगी की। ए शॉर्ट में सुना यार, टाइम बहुत हो गया है। ऊपर वाले ने दो प्रेमियों को बनाया और वो दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। एक दूसरे के बिना एक पल वो जी नहीं सकते थे। सागर से भी गहरा था उनका प्यार। उनकी जिंदगी में उन्हें सब कुछ मिला। वो खुद से बहुत खुश थे और अपने इर्द गिर्द के सभी लोगों को वो अपनी खुशियों में हमेशा शामिल करते थे। फिर एक दिन उन दोनों को किसी फंक्शन के लिए बाहर जाना था। वो दोनों बाइक पर बैठे और फंक्शन के लिए निकल गए। उनकी जर्नी बहुत ही सुहानी गुजर रही थी और रास्ते में चलते हुए सडनली उनके सामने एक सांप आ गया। डर के मारे पीछे बैठी हुई पत्नी ने बहुत जोर से चिल्लाया, जिससे कि सांप डर गया और डर के मारे उस सांप ने उसे काट लिया। घबराकर जब उस पति ने पीछे की तरफ देखा तो उसकी गाड़ी का
बैलेंस बिगड़ गया और जाकर वो एक पत्थर से टकरा गया। सांप के काटने से पत्नी मर गई और बाइक एक्सीडेंट की वजह से उस पति की भी मौत हो गई। इसका मतलब लाइफ में किसके साथ कब क्या हो जाए इस बात से हर कोई अनजान है। मुझे एक डाउट है, ऊपर से सांप उनके ऊपर कैसे गिरा? इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है। एक चील था, उसके पास 5 बच्चे थे और वो बहुत दिनों से बहुत भूखा था। एक दिन उसे सांप नजर आया। वो चील उस सांप को पकड़कर खाने ही वाला था। उतने में उस चील को उसके छोटे छोटे बच्चे याद आ गए। वो सांप को लेकर अपने बच्चों के पास जाने के लिए आसमान में उड़ा। क्योंकि वो बहुत दिनों से भूखा था, इसलिए वो चील बहुत कमजोर था और इस वजह से उसके पंजों से वो सांप छूट गया और वो सांप सीधा आसमान से गिरा उस औरत के ऊपर जो बाइक में बैठी थी। इसलिए लाइफ में जो होना होगा ना, वो कैसे भी हो जाएगा। लड़की की मौत का कारण वो सांप बना। एक्चुअली वो सांप मरने वाला था लेकिन वो बच गया और जिन्हें जिंदा रहना था वो दोनों मर गए। सो लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल। लाइफ में कब क्या कैसे हो जाए किसी को कुछ पता नहीं, इसलिए मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। बेकार की चीजों में वक्त जाया मत करो यार। ब्रदर, लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल, आपने ये बात कितने अच्छे से बताई। लाइफ की वैल्यू क्या है मुझे अब जाकर पता चली। मैं रोज यहाँ बैठकर पीता रहा और अपनी जिंदगी बर्बाद करता रहा। ब्रदर, अब मैं बदल गया हूँ। आज के बाद अपनी पत्नी के साथ खुश रहूंगा और उसे भी खुश रखूंगा। ओके ब्रदर, बाय, एंजॉय योरसेल्फ, बाय बाय। अरे इसकी कहानी सुनकर नशा ही उतर गया यार। आई वॉन्ट सम मोर। असली नशा पीने में नहीं है ब्रदर, असली नशा तो अब चढ़ेगा। बबली बबली आ रही है, उधर देखो। मैं हूँ बबली बबली। यार मजा आ गया, सच में यार बहुत मजा। बार बार नहीं मिलता भाई। मैंने तो खूब एंजॉय किया, आज तो बहुत थक गया हूँ। एक काम करते हैं, आराम से रात में रुकते हैं और सुबह निकलेंगे। वैसे थैंक यू वेरी मच। थैंक्स किस लिए यार? बस ऐसे ही। हिराम रेडी है? हाँ चल ठीक है। बहुत चढ़ गई है मुझे, बहुत मजा है। शेर खान कहाँ गया? अबे कहाँ है ये? Hey! मेरे दोस्त को मारता है, ये ले। ए, तेरे दोस्त ने क्या किया पता है तुझे? वो हमारे बबली के पास गया और उसे आई लव यू कहा, फिर कहा कि वो उससे शादी करेगा। बबली पता है कौन है? भाई की खास है वो, उन्हें पता चला तो मार देंगे उसे। इतनी सी बात के लिए मारेगा? पसंद नहीं था तो बोल देना चाहिए था, किसी को मारना क्यों? सिर्फ उसे ही नहीं, तुम सबको मार देंगे हम। शेरखान, अरे शेरखान, शेरखान क्या हुआ? उठ, अरे उठना। शेरखान, अरे क्या हुआ तुझे? अरे शेरखान, अरे उठना। चल। हमारे गांव में आकर हमारे ढाबे में खाया पिया और हमारे आदमी को ही मार रहे हो तुम लोग? हाँ, कोई भी बचना नहीं चाहिए, मार डालो इन सबको। गाइस, हमें यहाँ से भागना चाहिए। हम क्यों इससे डरकर भागे? हाँ, इनमें से कोई भी बच के जाना नहीं चाहिए, जाओ मार डालो इन सबको। वो लोग कहाँ चले गए यार? ठीक है, आगे देखते हैं। चल चल जल्दी चल। ए
ऐसे डरपोक की तरह मुझे भागना पसंद नहीं है यार, मुझे इंसल्ट फील हो रहा है। ए, जब सही समय आएगा तो हम सही डिसीजन ले लेंगे, अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो करो। काहे का डिसीजन? ए, इस दंगे में अगर कुछ हो गया तो तेरी माँ और बहन को हम क्या जवाब देंगे बोल? ये केस आगे बढ़ सकता है, पुलिस केस भी हो सकता है, राम की जॉब भी जा सकती है, और तो और हमारे साथ एक लड़की भी है, इसकी जिम्मेदारी मुझ पर है। इसे कुछ हो गया तो इसका तो इन सबसे कोई लेना देना नहीं है, सारा ब्लेम मुझ पर आएगा। ये सब इसकी वजह से हुआ है। ये शेर, हम यहाँ क्या करने आए थे और हम लोग क्या कर रहे हैं? अरे मैं क्या कर रहा, जस्ट आई लव यू बोला। सुना ना तुम लोगों ने, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ये गधा कभी नहीं सुधरने वाला। ए, दोस्ती करके चुप हो, तेरी दोस्ती चाहिए ही नहीं। अभी वो वापस आ गए तो अभी मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या डोंट वरी यार, पहले उसे समझाना। अरे गधे, तेरे को कौन बुलाया रे? अबे साले, अगर राम नहीं होता तो तुम्हारा पड़ा होता। अब प्लीज थोड़ा सा चुप हो जा मेरे बाप, ये सब तेरी वजह से हुआ है। ए, चुप बोला ना। ओके गाइस, कूल, पास्ट इज पास्ट, एनीवेज टेक इट इजी। सुनो, अब शांत हो जाओ, तुमने पूरा माहौल खराब कर दिया है। क्या सोचा था और क्या हो गया, पूरा मूड ऑफ हो गया यार। सॉरी अभी, हमारी वजह से तुझे प्रॉब्लम हो रही यार। अच्छा, हमारे साथ जो कुछ भी हुआ उसे भूल जा यार, अब आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके यार, जस्ट कूल, बी कूल। अरे अभी, आई एम सॉरी यार। इट्स ओके यार। ए राम, आई एम सॉरी यार। चल। माफ कर दो राम, फ्रेंड है तुम्हारा। हाँ चल, इट्स ओके। यहाँ पर छोटी सी बच्ची? हे नहीं, अभी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, प्लीज डोंट गो। ए, कैसी बातें कर रहा है तू? अभी मेरी बात सुन यार। ए राहुल, 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 हे सुन, राहुल बचा यार, तू बचा। हे राहुल, बेबी, बेबी, कौन हो तुम? तू आदमी है शैतान है रे साले, बदमाश कहीं के, लोफर कहीं के, गटर कहीं के, कॉल सेंटर का कीड़ा। हे चुप कर यार। हे मज्जा, भी मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। हे राम, प्लीज डोंट गो यार। सिचुएशन को समझने की कोशिश कर यार, जो सामने आएगा उसे फेस करना ही होगा। अभी मुझे भी डर लग रहा है, प्लीज मत जाओ। कुछ नहीं होगा कौशल्या, ऐसा आदमी है रे, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। उधर रोड पे तांत्रिक आया, मेरा बात सुन रे, गाड़ी भी पंक्चर हुआ, वो ढाबे में लफड़ा हुआ, नक्को रे भाई। हाँ यार, अभी जब हम घर से निकल रहे थे तो बिल्ली ने रास्ता भी काट दिया था। अभी बिल्ली का रास्ता काटना अपशकुन होता है, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। कौशल्या, कुछ नहीं होगा। हे अभी, हाँ? मत जाना यार। हे राम, उस लड़की के हाथ में टेडी बियर है, देख, उसे हमने रास्ते में देखा था, याद है? इस तरह का टेडी बियर पूरी दुनिया के पास होगा यार। हे रुक जाना अभी, नो, मेरी बात मान यार। ये भी हो सकता है कि ये लड़की तुम्हारे परिवार से हो या फिर तुम्हारे परिवार से हो, समझी? मैं जा रहा हूँ, जो सही है मैं वही कर रहा हूँ। बेटा, कौन हो तुम? बेबी, तुम्हारा नाम क्या बेटा? कौशल्या? जस्ट अ कोइंसिडेंस, उसे पूछो कि ये यहाँ आई कैसे। तुम यहाँ कैसे आई बेटा? मम्मी, कहाँ है मम्मी, कहाँ बेटा?
बुलाया तो मना क्यों किया? डर लगता रे, आ गया मैं। हे चुप, चल। अंदर आ चुके हैं यार, ये जगह मुझे बहुत डेंजरस लग रही है यार। हाँ भी। ओके लेट्स मूव। ओके लेट्स मूव। ए कम ऑन शेर, समथिंग्स आउट देयर। हे साउंड उधर से आ रहा है, देखो कुछ आवाज आ रही है, चलो देखते हैं। Don't worry, dear. I think entrance उस तरफ है। अरे भाई नकोरे, अब क्या प्रॉब्लम है? ए इतनी दूर आए हैं और वहां क्या है ये जाने बिना चले गए तो क्या फायदा? आई थिंक यू आर राइट राहुल, डरने की जरूरत नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा। ये अभी लेट्स गो बैक, मुझे डर लगता रे। अब चुप करना। वो तांत्रिक क्या बोला मालूम? भाई बस कर, उसकी बातों को याद मत कर। तुम लोग यहीं रुको। ओके तुम सब यहीं पे रुको, मैं बच्ची को लेकर के अंदर जाता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। बच्ची कहाँ गई? बेबी वो यहाँ। हाँ वो लड़की यहाँ कहाँ गई? वो अचानक से कहाँ चली जाएगी? ये कहाँ चली गई? कहाँ गई होगी? चलो देखते हैं उस तरफ। Thank you.
राम, अभी के घर वालों को फोन करता हूँ, यहाँ से जल्दी निकल आऊंगा। ओह शिट! एक काम करता हूँ, रामू को फोन करता हूँ। कंट्रोल नहीं हो रहा है, कल के लॉलीपॉप भारी हो गए। अरे इस समय कौन फोन कर रहा है? शायद इंटरव्यू का कॉल होगा। ओह शिट, अरे ये क्यों फोन कर रहा है? हेलो या रामू। हेलो राहुल, टॉक टू मी मैन। हेलो राहुल, कम ऑन रामू। अरे नेटवर्क तो है, सुनाई क्यों नहीं दे रहा है? हेलो, हम जंगल में फंस गए यार। अरे जोर से लगी है यार। राहुल राहुल, अरे बोल यार। अरे क्या चाहिए तुझे? अरे जल्दी से बोल यार। हेलो 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 मैन, टॉक टू मी यार। अमर का तो लुंगी खराब हो जाएगी, बाप रे। ओ गॉड, नो सिग्नल। यार उठा लेना यार, आंसर द कॉल मैन। टॉक टू मी मैन। राहुल उठ जा मेरे दोस्त प्लीज यार। अबे शेर। मैं पहले ही बोला था, मेरा बात कोई सुना नहीं।
मैं पहले ही बोला, डरपोक हूं बताया था, फिर भी मेरे को लेके आए, मेरी बात कोई सुना ही नहीं। अरे राम किधर है रे? राम, हे राम, हे राहुल, अभी राम, अभी राहुल, ये तूने क्या किया रे? हे देख, सबकी जान खतरे में है यार। ऐसा क्यों किया तू? मेरी बात तू, सबको यहाँ से लेके चला जाए। प्लीज हे राम, तूने मेरी सारी मुसीबत अपने पर क्यों ले ली रे? कि क्यों किया जान खतरे में? जान आया। ऐसा क्यों किया तू? सबको लेके चला जा, मुझे भी मेरे साथ चलना होगा। चला जा यार। यार ये सब मेरी वजह से हुआ। राम तू ठीक हो जा, मैं सुधर जाऊंगा रे। मैं तेरी कसम खाता हूँ, ये सब मेरा गलती है, मेरे को सजा मिलना मांगता है। मैं पापी रे। मुझे माफ कर दे रे, मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त। आई एम सॉरी, मेरे साथ चल, मेरे साथ चल ना। तू चलेगा मेरे साथ? भाई तेरी नहीं सुनूंगा। और चल, मुझे छोड़ दे राम। जाना यार, ऐसा क्यों होता है? जा। मेरी वजह से तुम मर गया रे। I'm sorry। उन दोनों को बचाऊंगा मैं, कौशल्या भाभी को कैसे भी बचाऊंगा उन्हें। बचाऊंगा, हाँ बचाऊंगा। अबे, अबे, अबे। राहुल, शेर खान, कहाँ हो तुम लोग? राहुल, राहुल, शेर खान, कौशल्या, अभी कौशल्या, कौशल्या तुम ठीक हो ना? कौशल्या तुम ठीक हो ना? कौशल्या अभी तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? कौशल्या तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? अभी ठीक, तुम ठीक तो हो ना? अभी मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। अभी कम ऑन, लेट्स गो। नहीं नहीं कौशल्या, अगर तुम्हें कुछ हो गया मेरी बात सुनो। चलो, देखो बाकी लोग यहाँ पर हैं, हम ऐसे जा नहीं सकते। मेरी बात सुनो, राहुल, शेर खान सब यहाँ पर हैं, हमें उन्हें ढूंढना ही होगा। हम ऐसे जा नहीं सकते, हमें उन्हें बी कूल, हमें उन्हें ढूंढना होगा। कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। ओके ओके, डोंट वरी। डोंट वरी, मैं हूँ। चलो कम ऑन फास्ट।
फास्ट कौशल्या, फास्ट कौशल्या, फास्ट, कम ऑन, आओ, चलो, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। रन रन फास्ट कौशल्या, कम ऑन, कम फास्ट, कम ऑन कौशल्या, जल्दी चलो कौशल्या, कम ऑन, तुम ठीक तो? अभी मैं यहाँ फंस गई हूँ। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, कुछ नहीं हुआ है, डोंट वरी, साड़ी फंस गई थी, कम ऑन कौशल्या, जल्दी चलो, क्या हुआ? नहीं अभी। अरे क्या हुआ? मुझसे अब और भागा नहीं जा रहा, हमें चलना होगा, थक गई अभी, चलो कौशल्या, तुम चले जाओ अभी, तुम चले जाओ, कैसी बातें कर रही हो तुम, मुझसे नहीं, तुम्हें चलना होगा मेरे साथ, कम ऑन कौशल्या, चलो कम ऑन रन, कौशल्या, 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 राम, कहाँ हो तुम लोग? अभी कौशल्या को कैसे भी बचाऊंगा मैं, मेरी वजह से राम चला गया, राम, राम तू चला गया मेरे दोस्त, तू कितना बार अच्छा बोला रे, मैं नहीं सुना, मैं नहीं सुना, आज से मैं अच्छा इंसान बनूंगा, राम, राम, ये सब मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से हुआ, मुझे छोड़ के चला गया, चला गया। अभी
ओ माय गॉड, मैं क्या करूं अब? घर में माँ इंतजार कर रही होगी, मुझे माँ ने मना किया था, मैंने उनकी बात नहीं मानी। कौशल्या के घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। यहां सिग्नल भी नहीं है, अब मैं क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यह अननोन नंबर है, ये बड़ा फैंसी नंबर है। इस नंबर पे मैसेज करता हूं, वी आर इन डेंजर, प्लीज सेव अस। अभी मुझे तुम्हारा मैसेज मिला, ट्रैक करके आते आते मुझे लेट हो गया,
आई एम सॉरी, अगर थोड़ा जल्दी पहुंचता तो कुछ और लोगों की जान बचा सकता था। मुझसे जितना हुआ उतना मैंने किया। शक्ल देखकर कितने लोग हार्ट अटैक से मर गए, और तू मुझसे आंखें मिला रहा है। अबे तेरी इतनी हिम्मत! तेरे को खौफनाक मौत मार कर ही मुझे बहुत आनंद मिलेगा। जब तक तेरे टुकड़े काट काट कर मैं कीमा बनाकर खा नहीं लेता, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। तुझ पे मेहरबानी कर रहे हैं, अपनी आखिरी इच्छा बता दे, अपनी जान की खैर छोड़कर। ले 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 ले। हमें पता है कि तेरी आखिरी इच्छा क्या है। तू हमारे हाथों मरना चाहता है, सही बोला ना? सही बोला ना? तूने हमको पागल समझा है क्या? No! We are psycho killers only। इंसानों को मारना हमारा शौक है। लोगों को पकड़ पकड़ कर उन्हें मार कर हम उनका खून पीते हैं। हमें बिल्कुल दया नहीं आती, हमें लोगों की जान लेने में बहुत मजा आता है। इससे पहले हमें किसी ने इतना नहीं भगाया जितना तूने भगाया। इसलिए हम भी तुझे भगा भगा के मारेंगे। हमने तेरे साथियों को कैसे मारा था पता है तुझे? तू खुद देखेगा। पास बताना मेरे। कौशल्या, भाग जाओ यहाँ से। जान से मार दूँगी मैं तुम्हें। Yeah.
ठीक हूँ कौशल्या, वहां देखो सब उसी की वजह से हुआ। कौशल्या, कौशल्या ने मुझे बचाया। अभी इसी तरह मार दिया गया है। अपने माँ बाप की याद में इस जंगल में इसी तरह तड़पती रहती है। हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे कौशल्या। सर, सर आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। सर आपका बहुत खून निकल रहा है। अभी आई एम ओके। वो गैंग एक साइको गैंग था। उन्हें लोगों की जान लेने में बहुत मजा आता था। लोगों को मारकर राक्षसों की तरह उनके बॉडी पार्ट्स को निकालकर उन्हें बेचकर पैसा कमाते थे। अभी वो बहुत बुरे थे। पता नहीं कितने लोगों को पकड़कर उनका बेरहमी से खून करते थे। कई दिनों से पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई थी, पर ये हमेशा हमें चकमा देकर भाग जाते थे। मेरा स्पेशल केस यही है अभी। वैसे तुमने ये केस सॉल्व करने में मेरी मदद की, लेकिन इस ऑपरेशन में तुम्हारे दोस्तों की जान चली गई। आई एम सॉरी। इट्स ओके। सॉरी, लेट्स गो। चलिए।